वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली, इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास का लेक्चर नंबर आप 11 देख रहे हैं, जिसमें प्राचीन भारत का सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम रहा सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले समझेंगे कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों रखा गया, और इसी के साथ कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, सबको डिस्कस करते चलेंगे। बस आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और सुनिए तो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा इसका क्रोनोलॉजी क्या है। इस चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस के हमारे मिलते रहें। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो काल माना जाता है या उसका मैच्योर पीरियड आप कह लीजिए, वो 2500 BC से लेकर 1750 BC या कहीं पर आपको मिलेगा 2350 से लेकर 1750 BC। तो ये इस टाइम पीरियड के बीच में जो सभ्यता डेवलप हुई थी उसे कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। एक्चुअली ये थी कहाँ पर, इसको मैप पर समझते हैं पहले। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है और ये भारत है, यहाँ चाइना है और यहाँ पाकिस्तान है, अरब सागर है। तो एक नदी है सिंधु नदी, इस ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम इंडस रिवर या सिंधु नदी। ये नदी चाइना में तिब्बत के पठार से निकलती है और निकलकर ये इंडिया में प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में फ्लो होकर के ये पाकिस्तान में आ जाती है और पूरे पाकिस्तान में ये फ्लो होती हुई अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। इसके साथ इसकी बहुत सारी 5 सहायक नदियाँ हैं, फिर उनकी भी सहायक नदियाँ हैं, यानी सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब, ये सारी इसकी क्या है, ये सहायक नदियाँ हैं। अब इस वक्त में 2500 बीसी के आसपास में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पूर्व, यहाँ पर इन नदियों के आसपास जो लोग बसे थे और एक कल्चर, एक सभ्यता उन लोगों ने डेवलप कर ली अपने रहने के लिए इन नदियों के आसपास, इन नदियों के किनारों पर घर बसा करके, तो उस सभ्यता को नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। यानी सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में बसे लोगों में जो सभ्यता डेवलप हुई उसे कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। अब ये इन नदियों के आसपास क्यों रहे, सबसे पहली बात क्वेश्चन यही आएगा कि नदियों के आसपास रहने की ज़रूरत क्या पड़ी। सबसे पहली बात इसमें जो कॉन्सेप्ट समझना है वो नदियों के आसपास रहने से, एक तो पीने के लिए जो है नदियों का जल, भाई उस समय क्या होगा, पीने के लिए पानी चाहिए तो वो नदियों का जल है, अवेलेबल है 24 घंटे पानी। दूसरा, खेती के लिए क्या चाहिए, कृषि के लिए भी पानी ही चाहिए तो इन नदियों से ही पानी लिया जा सकता है कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, ठीक है। और फूड के लिए भी, जो सी फूड होता है, जो इन आप कह सकते हैं नदियों के अंदर जो भोजन एक तरीके से कह सकते हैं, मछली वगैरह, इन सब को भी हम कह सकते हैं। तो एक तरीके से मेनली ये नदियाँ जो हैं एक तरीके से इनके रहने के लिए या खेती के लिए या भोजन के लिए अनुकूल थी, तो इसीलिए यहाँ जो लोग आकर के बसे इन नदियों के आसपास और एक सभ्यता डेवलप हुई जिसे हमने क्या कहा, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इसको समझो, हमारे देश की सबसे पहली जो सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी। तो जब एक पर्टिकुलर एरिया में, अब सभ्यता का मतलब क्या होता है इसको समझिए, जब एक पर्टिकुलर एरिया में किसी निश्चित क्षेत्र में नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग या लोगों का समूह एक ही कल्चर को फॉलो करता है, एक जैसे नियम, एक जैसे कन्वेंशन, परंपराएं जब वो फॉलो करने लगता है तो उसे ही कहते हैं हम सिविलाइजेशन या सभ्यता। तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है कौन सी, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। आइए शुरुआत करते हैं इसकी, और वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दिया करें, लाइक तो कर ही दिया करें, आप लोग करते नहीं हैं लाइफ में, बोलता नहीं हूँ। तो सबसे पहला सवाल सिंधु घाटी की सभ्यता पर यही बनता है कि इसका परिपक्व काल या सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का समय, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष से पूर्व लेकर के 1750 बीसी तक का समय कहा जाता है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 2350 बीसी से 1750, दोनों ही सही हैं, ठीक है, कोई भी आपको मिल जाएगा, कोई सा एक ज़रूर मिलेगा आपको ऑप्शन में, तो अलग अलग बुक्स में लिखते हैं इसको ऐसा, बट दोनों ही टाइम पीरियड बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट देखिए, एक सवाल आता है कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता। अब यहाँ बात करेंगे, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसको भारतीय सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब भारत और उसके पड़ोसी देश जो हैं, इसमें प्रथम नगरीय सभ्यता इसको कहा गया है, यानी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। इससे पहले जो है आसपास के एरिया में कहीं इस तरह का सेटअप नहीं देखा गया, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के
और भी नाम है, इन नामों को देख लीजिए। इसी को कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इसी को हड़प्पा सभ्यता, इसी को कांस्ययुगीन सभ्यता, या हम कहेंगे क्या इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि इस समय के लोग कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज यानी कांस से बनाने की कला को जान चुके थे। तो ये सारे नाम एक ही सभ्यता के हैं। अब एक एक करके इनकी डिटेलिंग करना शुरू करेंगे। तो कॉपर एज 3000 BC से लेकर 2000 BC तक थी, मतलब कॉपर एज नियोलिथिक एज का भी पार्ट रही थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी पार्ट थी। तो अब पहले बात करेंगे हम किसमें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानकारी हमें मिलती कहाँ से है। चलिए यहाँ पर आइए, हाँ जी हम जानते हैं, देखो 16 अप्रैल साल था 16 अप्रैल 1853 जब अंग्रेज थे यहाँ पर, भारत की सबसे पहली ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन चलवाई गई थी। गवर्नर जनरल उस वक्त कौन था, लॉर्ड डलहौजी। सवाल आता है कि भारत की प्रथम पहली यात्री ट्रेन किसने चलाई, तो पहली यहाँ यात्री लिख लेंगे, यात्री ट्रेन यहाँ ऐड कर लीजिएगा। भारत की पहली यात्री ट्रेन किसने चलवाई, लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई थी। वर्ष पूछता है 16 अप्रैल 1853 में चलवाई थी, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से और ठाणे के बीच चलवाई थी। ठीक, तो जब मुंबई और ठाणे के बीच रेल की शुरुआत की गई, तो यहाँ पर इसके बाद ही हमारे देश में अलग अलग जगहों पर रेलवे ट्रैक्स बिछाने का काम शुरू किया गया। और जब लाहौर से कराची वाला एरिया, भाई देखिए पहले जो इंडिया, ये आप जो रीजन देख रहे हो ये सब पहले भारत था ये, ठीक है। तो ये कराची वाला क्षेत्र सब यहीं पाकिस्तान में है, पाकिस्तान, लाहौर, पंजाब, सिंध प्रांत, ये सब इंडिया का ही हिस्सा थे। ठीक, तो आप समझ जाइएगा कि भारत की बात चल रही है, अगर प्राचीन भारत में हम बात कर रहे हैं सब एरियाज़ में। तो जब जगह जगहों पर रेलवे ट्रैक्स बिछाने की शुरुआत की गई, तो कराची से, लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और रेलवे लाइन बिछाने के लिए जब जमीन पर बने टीलों की खुदाई की गई, तो ज़मीन को समतल किया गया, जब फ्लैट किया जा रहा था, उन्हीं के टीलों से कुछ जो है अवशेष मिलने शुरू हो जाते हैं, कुछ ज़मीन के अंदर से निकलना शुरू होता है। यानी भाई जब आप एक रेलवे ट्रैक बिछाएंगे तो ज़मीन को प्लेन करना ज़रूरी होगा, समतल होगा, जहाँ से उठी हुई उभरी हुई होगी ज़मीन या भूमि या लैंड, उसको समतल प्लेन करना ज़रूरी होगा। जैसे ही प्लेन किया तो उसमें से प्लेन कर रहे हैं तो कुछ कुछ खुदाई में निकलने लगी, कुछ कुछ चीज़ें सामने आने लगी। तो बहुत पहले तो शुरुआत में बहुत कम मात्रा में निकल रही थी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट निकलने लगे तो इनको नज़रअंदाज नहीं किया गया, इन सामानों को या जो भी आइटम निकल रहे थे धरती के अंदर से खुदाई में। तो एक आर्कियोलॉजिस्ट ने 1856 में उन सारे के सारे अवशेष जो निकल रहे थे खुदाई के वक्त, रिसर्च करने के लिए उनको जो है अपने पास रख लिया, उन अवशेषों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और इस व्यक्ति को कहा गया अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन सबको इकट्ठा करना शुरू किया। तो कहने का मतलब ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो फॉसिल्स, ये अवशेष जो मिले थे, उन्हें सबसे पहले इकट्ठा करने या उन पर रिसर्च करने का काम किया था किसने, कनिंघम ने। इसीलिए कनिंघम को क्या कहा गया, अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा गया, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी यानी भारतीय पुरातत्व का जनक या भारतीय पुरातत्व का पिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का ये, इसको याद रखेंगे। तो जब ये रिसर्च कर रहा था तो किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया। उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था। तो इसने डलहौजी से सिफारिश की कि हमें जो टीले हैं उन टीलों की खुदाई करके देखना चाहिए ज़मीन के अंदर, और क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं, क्या क्या राज उसमें दफन है जिनकी जानकारी आज तक हम लोगों को नहीं है। तो उसी वक्त डलहौजी जो है उसने हड़प नीति चलाई थी, हम डिस्कस कर रहे थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसमें वो राज्यों को हड़प रहा था, उसमें बिजी था काफ़ी हड़प नीति चलाने में, और कोई इंटरेस्ट नहीं आया उसको। लेकिन कैनिंग ने उस वक्त क्या किया, कैनिंग उसके बाद में एशियाटिक सोसाइटी, लॉर्ड कैनिंग आया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इसने स्थापना कर दी। और वहीं पर एक म्यूज़ियम बनाया इसने, जहाँ पर जो अवशेष अभी मिले थे उन अवशेषों को कलेक्ट करके वहाँ भेज दिया जाता था। और जो बेशकीमती अवशेष हुआ करता था ना, उसको जो है लंदन भेज देते थे, भेज दिया जाता था। तो बेशकीमती नहीं हुआ करता था उसको यहीं इंडिया में रोक लेता था, म्यूज़ियम में ही रख लेते उसको। और जो राज, जैसे अभी तक पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिल पाई थी किसी भी चीज़ की, लेकिन बाद में डलहौजी के बाद में एक और गवर्नर जनरल, अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं कैनिंग है, कैनिंग आएगा, इसी ने बंगाल में एक म्यूज़ियम की स्थापना करवाई। और आर्कियोलॉजिस्ट से इसने कहा कि जितने भी अवशेष उन जगहों पर मिल रहे हैं उन्हें इकट्ठा करके एक म्यूज़ियम में ले आई। और काफ़ी लंबे समय के बाद में हमारे देश का अगला एक और वायसराय बनकर आएगा, जो खुद पेशे से क्या होगा, एक आर्कियोलॉजिस्ट होगा, एक पुरातत्वविद होगा होगा जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन। आप जानते हैं बंगाल के विभाजन के लिए फेमस, हमने पढ़ा था आधुनिक भारत के इतिहास में। तो हमने 10 लेक्चर कंप्लीट किए हैं आधुनिक भारत के, आप वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है।
तो इसका कार्यकाल पूछता है आपसे 1899 से 1905, लॉर्ड कर्जन। और जब ये वायसराय बनकर भारत आया, तो लॉर्ड कर्जन एक पुरातत्वविद था, पहले से एक आर्कियोलॉजिस्ट था। तो लॉर्ड कर्जन ही वो पहला व्यक्ति था जिसने इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि ज़मीन से निकले हुए उन अवशेषों में जो इंटरेस्ट लेने वाला था, उसके बारे में जानने की कोशिश केवल इसी ने की। तो इसी इन्हीं अवशेषों पर रिसर्च करने के लिए, इनको इन राजों का पता लगाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने साल 1905 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की स्थापना की, जिसका मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? सामने लिखे हुए हैं आपके। सवाल आएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन ने की। मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। नेक्स्ट, तो इंडियन म्यूजियम, और यहाँ पर जो कोलकाता में है इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया यहाँ पर इसको। और ASI के सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए जॉन मार्शल को अब इनका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि ASI के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल को ये काम सौंप दिया गया कि जिन जिन जगहों पर ये अवशेष मिल रहे हैं, उन उन जगहों पर खुदाई करवाइए और पता लगाइए कि जहाँ पर ये अवशेष मिले हैं वहाँ पर कौन कौन से ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में अभी तक जानकारी ब्रिटिशर्स को नहीं मिल पाई, अंग्रेज़ों के पास नहीं है। इसलिए जॉन मार्शल दो टीम बनाते हैं, और दोनों टीम में एक टीम का हेड बनाते हैं किसको? दयाराम साहनी को, और दूसरी टीम का हेड बनाते हैं राखलदास बनर्जी को। तो इन दोनों टीमों को लगा देते हैं काम पर। तो जिन जिन जगहों पर अवशेष प्राप्त हुए थे, उन उन जगहों पर खुदाई की गई और खोजबीन की गई। लंबे समय तक खुदाई करने के बाद इसमें सबसे पहले सफलता किसको मिलती है? दयाराम साहनी को मिलती है 1921 में, जब इन्होंने लाहौर के पास मोंटगोमरी जिला है वहाँ रावी नदी के किनारे पर ज़मीन के नीचे की पूरी जब खुदाई की वहाँ उस ज़मीन के नीचे, तो पूरे के पूरे शहर के एविडेंस इन्हें साक्ष्य मिले, जिसका नाम इन्होंने हड़प्पा रखा। और दूसरी तरफ अगले ही साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने कराची के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर खुदाई की, तो उन्हें जो दूसरा शहर मिला इन्हें वो था मोहनजोदाड़ो। तो हमने खोज निकाले दो इम्पोर्टेंट स्थल, ठीक है, सिंधु घाटी में मिले, इंडस वैली में। इन दोनों जगहों में मिले अवशेषों को जब हमने कंपेयर किया, तो उनकी तुलना जब हम की नहीं, देखो एक तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों के जो अवशेष थे उनको जो है हमने कंपैरिजन किया, और जब देखा इनमें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ एक एक जैसी थी जब उनकी तुलना की, मतलब उन हमें ये लगा कि दोनों जगहों का कल्चर बिल्कुल एक ही जैसा है। कहने का मतलब दोनों जगह सभ्यता जो थी वो एक ही थी, ठीक। तो ये था, क्योंकि दोनों स्थल इंडस वैली में मिले हैं, हम इंडस नदी के आसपास के ही हैं, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमें ये पता चला कि जहाँ यहाँ पर कभी ना कभी कोई ना कोई सभ्यता एग्जिस्ट किया करती थी, यानी यहाँ वैदिक, पहले हम सोचते थे जब वेद बने थे हमारे, वेद से पहले कोई सभ्यता नहीं है, लेकिन वेद से पहले की सभ्यता का अब हमें पता चला कब, जब यहाँ 1853 में बात चल रही थी। और यहाँ देखिए दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये इसके नेतृत्व में दयाराम सानी ने उत्खनन किया 1921 में। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना। लाहौर के पास मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा नामक शहर का पता लगाया। देखो क्योंकि हड़प्पा जो शहर था, नगर था, इस सभ्यता का खोजा हुआ पहला नगर यही खोजा गया था, इसी पर जो है नज़र पड़ी थी, या इसी खुदाई जब करी तो यही मिला बाई डिफॉल्ट। इसका नाम इसलिए सबसे पहले इसको हड़प्पा रखा, और इसी सभ्यता को जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसी को हमने हड़प्पा सभ्यता कहा। वीडियो अगर फास्ट लग रही है तो आप जो है YouTube पर ऑप्शन है आपके लिए वीडियो स्लो करने का, कोई भी स्पीड में, अगर वीडियो की स्पीड कम लग रही है तो फास्ट करके भी सुन सकते हैं आप लोग, बट इसके पीछे की जो स्टोरी है वो आप सुनते जाइए, तभी आपको ये कनेक्ट होगा बिल्कुल वेल। तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने कराची के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक नगर की खोज की थी। तो ये हुआ आपके कई सारे क्वेश्चंस यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़े, अब इसका पता कैसे चला कि इसकी 2500 साल पहले की इसकी तो एक मेथड होता है जिसको कहते हैं रेडियो कार्बन 14 या C14 या कार्बन डेटिंग मेथड। इस मेथड से हम क्या करते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण है जो वो हमने इसी से किया है, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये हो गया। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन सेटअप था, ये गांव का सेटअप था। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बसे हुए नगर थे, ये घर थे, ये कैसे थे? ये गांव के घर हुआ करते थे, शहर के थे, कैसे थे? तो ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये। और इसमें अब अलग अलग जगहों पर, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है अपने त्रिभुजाकार रेक्टेंगुलर शेप में फैली हुई थी। ये रेक्टेंगुलर शेप का मतलब ये कहाँ कहाँ थी भाई, ये इंडिया में ये कहाँ कहाँ थी, ये बात करेंगे इसी की।
तो ये भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, ऊपर उत्तर है, इधर पूर्व है और ये पश्चिम है, नीचे दक्षिण है। अब आप यहाँ देखिए करके, तो इसमें अगर सभ्यता की बात करोगे कि सभ्यता सिर्फ इंडस वैली में नहीं थी बल्कि पूरे उत्तर भारत में और उत्तम पश्चिम भारत में जो है ये एग्जिस्ट करती थी। इसका आकार त्रिभुजाकार था। इसमें मिलने वाली जो नॉर्दर्न साइट है सबसे उत्तरी स्थल में कौन है, जम्मू कश्मीर में मांडा नाम की जगह है ये, ठीक है, जो कि चेनाब नदी के किनारे पर है। एक दूसरा है पश्चिम में, पश्चिम में कौन सी साइट थी जो मिली थी, सुतकांगडोर, ठीक है, सुतकांगेडोर, ये दूसरी साइट थी जो कि दाशक नदी के किनारे पर थी और बलूचिस्तान में थी। अगला है आलमगीर, उत्तर प्रदेश में मेरठ में थी ये जगह, ये हिंडन नदी के किनारे पर। और दैमाबाद ये महाराष्ट्र में जगह थी, ये आलमगीरपुर, सॉरी दैमाबाद महाराष्ट्र में थी, ये गोदावरी नदी के किनारे पर थी, ठीक है। तो ये साइट्स थी। अब उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतकांगेडोर और पूर्व में आलमगीर हिंडन नदी के किनारे पर। कहने का मतलब ये सिर्फ इंडस वैली में नहीं थी बल्कि उत्तर में चेनाब नदी तक और दक्षिण में ये गोदावरी नदी का, यानी ये यहाँ तक जम्मू कश्मीर, पंजाब, इधर सब आप शामिल हो गए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ तक आ गई ये साइट है। ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही भाग थे, ये साइट्स थे। तो पुरातत्वविदों ने पहला स्थल, जो फर्स्ट साइट जो खोजी थी वो थी हड़प्पा। इसलिए सभ्यता का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, हड़प्पा सभ्यता, इसी को हड़प्पा सभ्यता हम कहते हैं। नेक्स्ट, तो ये एक शहरी सभ्यता थी, इसका आकार ट्राइंगल था। ये तीन से चार क्वेश्चन हो गए। और इसी सभ्यता के लोगों ने कॉपर में टीन मिलाकर कांसे का प्रयोग किया, कांसा, कॉपर में टीन मिलाकर कांसा बना लिया, ब्रॉन्ज बनाया, इसलिए इस सभ्यता को हम क्या कहेंगे, ब्रॉन्ज एज या कांसी युगीन सभ्यता या फिर चालकोलिथिक एज। तो ये हुए आपके सिविलाइजेशन पर। तो हड़प्पा के सबसे उत्तरी स्थल, ये या आप याद रखेंगे, उत्तरी स्थल मैंने लिख दिया है यहाँ, नदी कौन सी नदी के किनारे पर था, पश्चिमी स्थल के बारे में लिखा है कौन सी नदी के किनारे था, यह आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, ठीक है। पढ़ाई को बोझ समझ के कभी मत पढ़ना कि बोझ है हमें कितना सारा याद रखना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना कभी। इंटरेस्ट लो उसमें पढ़ने में अच्छे खासे, तभी जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठने का मज़ा आएगा, सिलेक्शन के बाद में वहाँ नौकरी करने का तभी अच्छा मज़ा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए आप, तो इनको एन्जॉय कीजिए, स्टडी को जो है इन्जॉय कीजिए आप। नेक्स्ट चलते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, चालकोलिथिक एज इसको कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता को ही कहा जाता है। और सबसे पहले क्वेश्चन भी ये बनता है कि मानव द्वारा या सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु कौन सी थी, आंसर इज कॉपर, ठीक। अब कुछ साइट होंगे, उन साइट्स को भी हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहली साइट हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा को ही देखेंगे। तो हड़प्पा जो घाटी सभ्यता है, ये पहला नगर सिंधु घाटी सभ्यता में यही है। इसके एडिशनल फैक्ट को डिस्कस करते चलेंगे, क्वेश्चंस आते हैं। हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे पर है, रावी नदी के बाएं तट पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ये कौन से, मॉन्टगोमरी जिले में है। अगला, इसके दो स्टेटमेंट बनते हैं इसके ऊपर। स्टुअर्ट पिगट ने जो है हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर, हाफ इंडस्ट्रियल सिटी कहा था इसको, या हाफ इंडस्ट्रियल टाउन कहा था, और साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, ट्विन कैपिटल भी कहा जाता है। तो ट्विन कैपिटल का किसे कहेंगे हम, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी जो इमारत है वो कौन सी है, वो 12 कक्षों का अन्नागार है, आ 12 रूम ग्रेन यार्ड। अब याद रखिएगा कि 12 कक्षों का अन्नागार हमें कहाँ से मिला है, वो मिला है हमें हड़प्पा से, या उसके साक्ष्य पूछेगा। और इस सभ्यता में जब हड़प्पा की खुदाई की गई तब हमें वहाँ से एक ऐसी बिल्डिंग मिली, एक ऐसी बिल्डिंग के अवशेष मिले जिसमें 12 चैम्बर्स थे और 6 एक तरफ बने हुए थे, 6 एक तरफ आमने सामने की तरफ बने हुए थे। तो जब उसकी मिट्टी की रिसर्च की गई तो उसमें देखा गेहूं और जौ के अवशेष मिले। इसी के आधार पर हमने एक ऐसा ग्रेन यार्ड, इसी को ग्रेन यार्ड या फिर आप कह लीजिए एक अन्नागार माना, जहाँ पर अन्न को स्टोर किया जाता है, कि वो स्थान जहाँ जो अन्न रखने के काम, अनाज रखने के काम में आता था, इसलिए उसको एक अन्नागार या ग्रेन यार्ड कहा गया। इस ग्रेन यार्ड से हमें ये भी पता चला कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख फसलें गेहूं और जौ हुआ करती थी, ठीक है, और वीट एंड बार्ले। तो ये लोग कृषि किया करते थे गेहूं और जौ की। जब गेहूं और जौ सामने मिल गया है उनको तो समझ आएगा कृषि किया करते होंगे। और इसके बाद में हमें हड़प्पा में एक कब्रिस्तान भी मिला है, एक कब्रिस्तान मिला है जिसे
जिस कब्रिस्तान को हमारे पुरातत्वविदों ने जो नाम दिया है वो R37 या समाधि 37 नाम दिया है। अब इसको ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि खोजबीन जब की गई तो उसमें हमें जो है 57 स्केलेटन यानी 57 नर कंकाल मिले थे। जब इनको इकट्ठा करके एक रिसर्च करने की कोशिश की गई इन पर, तो 57 स्केलेटन में से केवल 20 इतनी ज़्यादा डिकम्पोज हो गए कि उन पर रिसर्च करना ही मुश्किल हो गया। इसलिए रिसर्च केवल 37 पर ही की जा चुकी की गई और हमने इसलिए नाम दे दिया इस समाधि को R37 और समाधि 37। जितने भी मानव कंकाल मिले उन सब के सर जो थे वो उत्तर दिशा में थे और उनके पांव दक्षिण दिशा में थे। तो इस तरीके से उनको दफनाया गया था। और इसी बात से हमें जानकारी मिली कि वो एक कब्रिस्तान भी है यानी एक ग्रेवयार्ड भी है। तो ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट, यहाँ से भी धर्म बिल्कुल क्लियर नहीं होगा इस सभ्यता में कि वो लोग किस धर्म के फॉलोवर्स थे। तो कब्रिस्तान के मिलने से हमें यह भी पता लगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में शवों को दफनाने की प्रथा भी थी। हड़प्पा में चला करती थी ये, लेकिन शवों का दाह संस्कार भी किया जाता था मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, दोनों ही चीज़ देखने को मिली। तो शव के साथ कुत्ते की अस्थियां भी हमें मिली थी पंजाब के रोपड़ में नियोलिथिक पीरियड में, जम्मू एंड कश्मीर के बुरज होम नामक स्थान पर। अब बात करते हैं हड़प्पा से ही हमें और क्या क्या मिली है। उर्वरता देवी की मूर्ति, स्टैचू ऑफ गोडेस फर्टिलिटी। हड़प्पा से एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। और स्त्री के गर्भ से पौधे का उगने का मतलब होता है ज़मीन से पौधा उगना। ऐसा माना गया है कि हड़प्पा वासी जमीन की पूजा किया करते थे, लैंड की, भूमि की, और उसको उर्वरता की देवी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहते थे। और इसके अलावा बटन के आकार की मोहरे, शंख के बने हुए बैल, और ज़्यादातर मोहरे सील समय मिली हैं और बैल की आकृति मिली है। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट जो सिटी है तो ये क्या है। और सबसे ज़्यादा वैदिक सभ्यता का सबसे ज़्यादा पवित्र पशु किसको माना गया, मेंशन कर लीजिए। सबसे ज़्यादा पवित्र पशु किसको माना गया है वो है काऊ, गाय। नेक्स्ट वन, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में मतलब होता है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। तो ये जो है सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है वर्तमान स्थिति इसकी। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों पाकिस्तान की साइट हैं इस वक्त, पहले भारत की हुआ करती थी आज़ादी के पहले। ठीक है, तो ये हो गया। मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। और मोहनजोदाड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है, एक विशाल धान्यगार। ठीक है, एक विशाल धान्यगार है ये, क्या है, एक बिगेस्ट बिल्डिंग है या ग्रीनरी कहेंगे इसको। लेकिन सबसे प्रसिद्ध इमारत जो है वो इसमें वो विशाल स्नानागार है इसका। ठीक है, अ ग्रेट बाथ इसका, इसको याद रखेंगे। इनके फीचर्स को जब डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या था तब आपको अच्छा लगेगा भी सुनने में इसको। तो मोहनजोदाड़ो से ही हमें नटराज की मूर्ति, स्टैचू ऑफ नटराज मिली है, और पशुपतिनाथ की मूर्ति भी। दोनों मूर्तियों को जो है भगवान शिव का रूप माना गया है, एक तरीके से लॉर्ड शिवा को मेंशन किया गया है। एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदाड़ो से मिली है। ये पूछेंगे सारे के सारे कहाँ से मिली, मोहनजोदाड़ो में लिखे हैं तो हमने यहीं से पूछेगा। एक पुरोहित राजा की मूर्ति भी मिली है यहाँ से, और स्वास्तिक चिन्ह भी है, श्रृंगारदान है, प्रत्येक मकान में पक्के कुएं हैं। तो ये मोहनजोदाड़ो के साइट्स के हैं सारे के सारे। नेक्स्ट वन देखें तो इसको अगला देखें, हड़प्पा सभ्यता की दो प्रशासनिक राजधानियां हुआ करती थी, एक तो हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदाड़ो। इन्हें ही हम जुड़वा राजधानी, ट्विन कैपिटल सिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब इनके फीचर्स पर आएंगे हम कि फीचर्स क्या क्या थे। पहले इनके फैक्ट देख लीजिए। तो सिंधु हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक जो राजधानी थी, जो कमर्शियल कैपिटल थी, वो लोथल थी। तो लोथल गुजरात में है, वर्तमान में हमारे ही देश में है ये। और गुजरात का लोथल, गुजरात में क्या था, लोथल बंदरगाह था। ठीक है, अब लोथल को ही डिस्कस कर लेते हैं, इस पर दो तीन क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए, तो लोथल वाज अ पोर्ट ऑफ हड़प्पा। तो लोथल की खोज किसने की, ये पूछ लेगा एस आर राव ने 1955 में, जो कि खंबा की खाड़ी में है। तो ये स्थल एक प्रमुख बंदरगाह है, एक डॉकयार्ड था, जिससे जो है पश्चिमी एशिया से व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट वन, अब पूछेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की करेंसी क्या है। तो करेंसी जो मुद्रा है वो इसकी कोई मुद्रा नहीं थी एक्चुअली, याद रखेंगे ये आप। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। अगला है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो की खोज 34 में की गई एन गोपाल मजूमदार ने की। तो चन्हुदड़ो को इस सभ्यता का ग्रामीण स्थल माना जाता है क्योंकि यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे। ठीक, तो चन्हुदड़ो से हमें जो प्राप्त हुई थी वो बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई थी।
और चनू थ्रोल से ही मिला था हमें बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ते का चित्र, अ पिक्चर ऑफ अ कैट फॉलोड बाई अ डॉग। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट चले, इसमें हाथी दांत भी प्राप्त हुए थे। अगला देखें, कालीबंगा। नेक्स्ट वन देखिए, कालीबंगा है तो इसमें भी ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कालीबंगा है ये, इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़िया। तो कालीबंगा की खोज की थी 1951 में अमलानंद घोष ने, राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है ये, इसको भी याद रखेंगे। और यहाँ पर जो है जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं इस जगह से, ये भी याद कर लीजिएगा। धौलावीर, धौलावीर की खोज 67 में JP जोशी ने की है। धौलावीर से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र धौलावीर एक सेकेंड जो धोलावीरा है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर खेल का मैदान मिला है। ठीक है, इसी साइट पर। और धोलावीरा गुजरात के कहाँ पर है ये, इसको भी याद रखेंगे। कच्छ जिले में है, भचाऊ तालुका में है। अब देखिए, बनावली हरियाणा में, फतेहाबाद हरियाणा में खोज RS बिस्ट ने की। राखी गढ़ी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा के हिसार में राखी गढ़ी। और 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसी विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया जिनसे इनको नष्ट हो जाने का खतरा ज़्यादा है। नेक्स्ट देखें, अब मेन फीचर की बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। एक है नगर नियोजन, इनकी सिटी प्लानिंग। तो हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी लोग हुआ करते थे, मतलब वो शहर बना करके रहा करते थे। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक अर्बन सेटअप था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती, मान लीजिए ये सड़कें हैं ये ऐसे गुजर रही, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटेंगी। ठीक है, एकदम सटीक। तो इस तरह की व्यवस्था थी यहाँ पर। और वेस्ट में और ईस्ट में जो शहर होता था उसके यहाँ पर साइडों में बिल्कुल पिलर हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट वन, जल निकासी ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो भारत की उस समय की समकालीन जो सभ्यताएं थी, कंटेम्प्रेरी सभ्यताएं थी, उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर जो है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता को माना गया है। जल निकासी सबसे बेहतरीन सिस्टम इंडिया का ही था क्योंकि इसमें सड़कों के किनारे जो बने होते थे, जैसे ये सड़क जा रही है तो सड़कों के किनारे पर आप देखा होगा नालियाँ बनी होती हैं आज भी, बट वो ओपन होती नालियाँ, उसमें जो है कचरा ज़्यादा अट जाता है, पॉली वगैरह सब कुछ। लेकिन यहाँ पर क्या गया था, सड़कों के किनारे पर बनी चौड़ी और गहरी नालियाँ ऊपर से ढकी होती थी, मैन होल या कुछ भी ढक दिया होता था उन पर, इस तरह से वो ढकी रहती थी। यानी आज से लेकर के देखो 4,000 4,500 साल पहले कितना डेवलप सिस्टम था जैसा हम आज यूज़ करते हैं। और ईंटें जो इस्तेमाल की जाती थी वहाँ उस वक्त, वो ईंटों में रेशियो था लंबाई चौड़ाई और मोटाई का 4:2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मुद्रा करेंसी का चलन नहीं था बल्कि सील थी, मोहरे थी। तो वस्तुओं के बदले आदान प्रदान किया जाता था किससे, बार्टर सिस्टम से, यानी चीज़ के बदले चीज़, कोई भी जो जिसकी ज़रूरत की चीज़ है वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, इसी को बार्टर सिस्टम बोलते हैं। लोथल से जो है हमें चावल यानी राइस के साक्ष्य मिले हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख फसल गेहूं और जौ हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता को एकमात्र स्थल जहां पर चावल के साक्ष्य मिलते हैं वो है लोथल। या नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा की लिपि कौन सी थी। लिपि में 64 मूल चिन्ह थे। इस लिपि को हम कहते हैं क्या, पिक्टोग्राफ या चित्रात्मक, और दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है ये। तो इस पद्धति को बूस्ट रिफेडन, ठीक है, बूस्ट रिफेडन भी कहा गया है, इसको याद रखेंगे। और यहीं से लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। सबसे पहले कपास, कॉटन पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। और यहाँ देखिए, सैंतव निवासी मातृ देवी रुद्र देवी पशुपति नाथ की पूजा, ये जो सबसे पहले जो है कपास पैदा करने का श्रेय इनको भी दिया जाता है। और सैंतव निवासी जो थे, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो निवासी थे, वो मातृ देवी रुद्र देवता यानी पशुपति नाथ की पूजा किया करते थे। तो हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ जो है दिखाया गया है। देखिए, हड़प्पा से प्राप्त एक मृण, यहाँ याद रखिएगा, तो जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। अब बात करेंगे इसका पतन क्यों हुआ, सिंधु सभ्यता का पतन होने की वजह क्या थी। तो जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इसको याद रखिएगा, भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। इसमें 64 सिंबल हुआ करते थे बेसिक। ठीक है, अब देखिए ये सभ्यता खत्म कैसे हुई। अब यहाँ पर पहले पेज पर जब हम जाएंगे, ये इंडिया का मैप है, जैसे मान लीजिए ये रिवर्स ऐसे निकल रही है यहाँ से।
तो सिंधु सभ्यता का अंत प्राकृतिक आपदाओं से हुआ था। वो कैसे, जो नदियां हैं, जब नदियों में पानी आता है बहुत ज़्यादा, उसके लेवल से ऊपर उठने लगता है, तो नदियां आसपास के क्षेत्रों में आ जाती हैं अपने वाटर लेवल से निकल करके। तो आसपास के क्षेत्र में ये गांव बसे थे, ये शहर बसे थे, ये सब को बहाकर धीरे धीरे ये ख़त्म कर देती हैं इस तरह से। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन पूछता है कि नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण नदियों ने अपना रास्ता बदला और आसपास की सभ्यताएं जो उसके किनारों पर बसी हुई थी वो सब तहस नहस हो गई। धीरे धीरे ये काम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है इनका। नेक्स्ट वन देखिए, अब सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी? तो इराक की थी, मिस्र की सभ्यता, इसको बोलते हैं मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, नील नदी के किनारे पर है, और ये येलो रिवर के किनारे पर है। चीन की सभ्यता यानी चाइनीज़ सिविलाइजेशन। नेक्स्ट वन, अब देखिए कुछ स्थल दे रखे हैं, यहाँ कुछ नदी हैं, यह उत्खनन करता है उनके, और यहाँ पर कौन है, ये वर्तमान जगह कौन सी, प्लेसेस। तो हड़प्पा नदी को 1921 में खोज की रावी नदी के तट पर दयाराम सानी ने मोंटगोमरी जिले में, ऐसे ही याद करना है एज इट इज़, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नीचे तक लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रीड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं इसका, सिंधु सलो से प्राप्त अवशेष जो हुए हैं, जो प्राप्त क्या क्या मिले हैं। तो हड़प्पा वाली साइट से भी देखा है हमने, कब्रिस्तान मिला है वहाँ से, R37 भी कहा जाता है इसको, और शंख का बना बैल मिला है, स्त्री गर्भ से निकला हुआ एक पौधा जिसके बारे में भी जिक्र कर रहे थे, गेहूं और जौ के दाने, स्वास्तिक एवं चक्र के साथ साक्ष्य, और ये है सीपी का पैमाना। अब यहाँ देखिए, मोहनजोदाड़ो से एक वृद्ध स्नानागार है, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति है, हाथी का कपाल खंड है, और यहाँ याद रखिएगा 6 भट्टों के अवशेष भी मिले हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा, बाकी आप रीड कर लेंगे। कंघा यहाँ से याद रख सकते हैं, चनहुंदड़ो से कंघा, 4 पहियों वाली गाड़ी। कालीबंगा में देखो, कालीबंगा का मतलब पूछ लेता है कभी कभी, तो ये क्या है, जुते हुए साक्ष्य। अगला देखो, मिट्टी, मिट्टी या कांच की चूड़ियाँ, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ, और इस तरह से आप ये सब देख लेंगे। लोथल पे 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, बंदरगाह है ये, और यहाँ से धान या चावल के साक्ष्य सबसे पहले मिले थे, ठीक है। अगला है सूरकोटस, सूरकोटस घोड़े की अस्थियाँ हैं इसमें। बनावली, बनावली हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो आई थिंक यहीं तक है हमारा सिलसिला जो इसमें है। तो हमने ये सारे साइट्स को डिस्कस कर लिया है, और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे कौन सा टॉपिक, जी हाँ, वैदिक एज, वैदिक एज यानी वैदिक कल्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बने रहिएगा इन लेक्चर के साथ, थैंक यू सो मच।